दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए विभिन्न लोन की जानकारी के साथ ही साथ नई नई फाइनेंस कंपनी और बैंकों के लोन प्रोडक्ट की जानकारी लेकर आते हैं। इतना ही नहीं, हम लगातार नई लोन एप्लीकेशन की भी जानकारी लाते हैं जो आपके लिए सुरक्षित होते हैं, साथ ही जिनसे आप आसानी से और तत्काल लोन ले सकते हैं। और आज भी हम एक ऐसी ही लोन एप्लीकेशन की जानकारी लेकर आए हैं। आज की लोन एप्लीकेशन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आपको कम क्रेडिट स्कोर पर इमरजेंसी लोन देने का दावा करती है। तो अगर आप भी कम क्रेडिट स्कोर पर तेजी से तत्काल लोन लेना चाहते हैं तो आज की यह वीडियो आपके बहुत काम की हो सकती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो पूरी जरूर देखिए। अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा या स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है आप कुछ जानकारियां मिस कर जाएं और अधूरी जानकारी से आपको लोन भी न मिल पाए। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। बिना देर किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंगलेश, आप है हमारे चैनल पर नो बकवास ओनली फाइनेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, वैसे तो गूगल प्ले स्टोर पर सैकड़ों मोबाइल लोन एप्लीकेशन मौजूद है जो आपको तत्काल यानी इंस्टेंट लोन देने का दावा करती है, लेकिन आज हम आपके लिए जिस मोबाइल लोन एप्लीकेशन की जानकारी लेकर आए हैं वो न केवल आपको कम क्रेडिट स्कोर पर इमरजेंसी लोन देती है बल्कि इसके पब्लिक रिव्यू और गूगल रेटिंग भी दूसरी लोन एप्लीकेशन से ज्यादा और बेहतर है। इसका साफ और सीधा सा मतलब है कि लोग इस एप्लीकेशन से न केवल लोन ले रहे हैं बल्कि यह एक दूसरी एप्लीकेशन की तुलना में ज्यादा सुरक्षित भी है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस अनोखी मोबाइल लोन एप्लीकेशन के बारे में। तो दोस्तों, इस लोन एप्लीकेशन का नाम है राम फिनक्रॉप पर्सनल लोन एप्लीकेशन। आरके बंसल फाइनेंस लिमिटेड द्वारा डेवलप और ऑपरेट की जाने वाली यह लोन एप्लीकेशन पूर्णतः सुरक्षित मानी जा रही है। इसी के साथ इस लोन एप्लीकेशन को डेवलप करने वाली कंपनी आरके बंसल फाइनेंस लिमिटेड एक फिनटेक कंपनी होकर खुद को आरबीआई से रजिस्टर्ड होने का दावा भी करती है। दोस्तों, इस लोन एप्लीकेशन के यूजर्स की बात की जाए तो वर्तमान में इस एप्लीकेशन को 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इंस्टॉल किया है। साथ ही राम फिनक्रॉप पर्सनल लोन एप्लीकेशन की गूगल रेटिंग की बात की जाए तो लोगों ने इसे 4.3 स्टार की रेटिंग दी है जो कि बढ़िया रेटिंग मानी जा सकती है। यूजर कमेंट की बात की जाए तो गूगल प्ले स्टोर पर आपको इस एप्लीकेशन के संबंध में अच्छे और बुरे दोनों तरह के कमेंट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कमेंट आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इस एप्लीकेशन की जानकारी के बाद अब बात करते हैं लोन प्रोडक्ट की। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राम फिनक्रॉप पर्सनल लोन है 1,000 रुपए से लेकर 2,00,000 रुपए तक का छोटा डिजिटल लोन उपलब्ध कराती है। लोन के ब्याज की बात की जाए तो इस लोन पर आपके द्वारा लिए जा रहे लोन पर आधारित ब्याज दर चुकानी होती है। हालांकि इसकी ब्याज दर की शुरुआत 30% से होती है। दोस्तों, ब्याज के संबंध में एक बात यहां ध्यान रखें कि यह ब्याज आपकी प्रोफाइल, आपके क्रेडिट स्कोर पर भी निर्भर करता है। मतलब कि यदि आपकी प्रोफाइल थोड़ी रिस्की है और आपका क्रेडिट स्कोर ज्यादा खराब है तो आपको इस ब्याज से ज्यादा ब्याज भी चुकाना पड़ सकता है। तो लोन आवेदन से पहले ब्याज के बारे में पुख्ता तौर पर पता कर लेना आपके लिए जरूरी होगा। चार्जेस की बात की जाए तो राम फिनक्रॉप पर्सनल लोन एप्लीकेशन से लोन लेने पर ली जा रही लोन राशि का 1% से लेकर 5% प्रोसेसिंग फीस के रूप में चुकाना आपको पड़ सकता है। हालांकि यह प्रोसेसिंग फीस थोड़ी ज्यादा है तो आपको जरूरी हो तो ही यहां से लोन के लिए आवेदन करें। दोस्तों, लोन एप्लीकेशन की जानकारी, लोन अमाउंट, ब्याज और चार्जेस के बाद अब बारी आती है लोन लेने की प्रोसेस की और लोन आवेदन कैसे करें इसकी जानकारी की बात। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको राम फिनक्रॉप पर्सनल लोन एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा। इसके बाद यह लोन एप्लीकेशन आपसे कुछ बेसिक जानकारी मांगेगी। इन मांगी गई जानकारी के साथ ही साथ अपने आईडी, एड्रेस प्रूफ जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि को यहां अपलोड करना होगा। इन जानकारियों और मांगे गए डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको आपकी इनकम और एम्प्लॉयमेंट की जानकारी यहां सबमिट करना होगी। इन सभी जानकारियों की जांच, आपकी प्रोफाइल का आकलन और आपका क्रेडिट स्कोर चेक करने के बाद राम फिनक्रॉप पर्सनल लोन एप्लीकेशन आपकी योग्यता के हिसाब से लोन की स्वीकृति देगा। इसके बाद आपको आपकी बैंकिंग इस एप्लीकेशन पर वेरीफाई कराना आवश्यक है। आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं, एक नेट बैंकिंग के माध्यम से और दूसरा आधार ओटीपी के माध्यम से भी आपकी बैंकिंग वेरिफिकेशन को पूरा किया जा सकता है। बैंकिंग वेरिफिकेशन के बाद आपको एक डिजिटल लोन एग्रीमेंट साइन करना होता है, यानी कि इस डिजिटल लोन एग्रीमेंट की सभी शर्तों पर
अपनी सहमति देना होती है। तो यहां मेरा सुझाव है कि इस एग्रीमेंट को एक बार अच्छे से पढ़ लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद राम फिनक्रॉप पर्सनल लोन एप्लीकेशन द्वारा आपके लोन अमाउंट में से प्रोसेसिंग शुल्क का पैसा काटकर बचा हुआ अमाउंट आपके खाते में ट्रांसफर करवा दिया जाता है। दोस्तों स्वाभाविक रूप से वीडियो ज्यादा लंबा न बने इस बात का ध्यान रखते हुए हमने आपको शॉर्ट में लोन प्रोसेस बताई है। इसके बाद भी यदि इस प्रोसेस से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है तो आप अपने सवाल इंस्टेंट लोन प्रोसेस लिखकर कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों लेकिन इस प्रोसेस को पूरा करने और राम फिनक्रॉप पर्सनल लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के पहले आपको कुछ सावधानियां रखना बेहद जरूरी है। इन्हीं सावधानियों में से पहली है कि राम फिनक्रॉप पर्सनल लोन एप्लीकेशन के ब्याज और चार्जेस दूसरी बैंक और फाइनेंस कंपनियों से लिए जाने वाले पर्सनल लोन से बहुत ज्यादा है और ये आपकी खराब प्रोफाइल और कम क्रेडिट स्कोर के आधार पर और भी ज्यादा हो सकता है। तो जब तक बहुत जरूरी ना हो इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेना अवॉइड करें। दूसरी जरूरी बात कि इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए जब भी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो यह एप्लीकेशन आपसे विभिन्न परमिशन जैसे लोकेशन, फोटो, फाइल और सबसे जरूरी आपके फोन में मौजूद कॉन्टेक्ट की जानकारी मांग सकता है। तो निर्णय आपका है आपको ये सभी जानकारियां या परमिशन देना है या नहीं। राम फिनक्रॉप पर्सनल लोन एप्लीकेशन से लोन आवेदन करने या लोन लेने से पहले ध्यान में रखी जाने वाली तीसरी आखिरी सबसे जरूरी बात है कि हम इस तरह की वीडियो आपके लिए आसान भाषा में इन लोन एप्लीकेशन की जानकारी देने के उद्देश्य से लाते हैं। ऐसे में हम यह भी कहना चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम राम फिनक्रॉप पर्सनल लोन ऐप का प्रचार या प्रसार नहीं कर रहे हैं और ना ही राम फिनक्रॉप पर्सनल लोन एप्लीकेशन ने हमें ऐसा करने के लिए स्पॉन्सर किया है। तो वीडियो में बताई गई जानकारी के आधार पर लोन लेना और न लेना आपका ही अधिकार है। ऐसे में हमेशा अपने विवेक से काम लेना आपके लिए ठीक होगा। तो दोस्तों ये थी कम क्रेडिट स्कोर पर इमरजेंसी लोन देने वाली राम फिनक्रॉप पर्सनल लोन एप्लीकेशन की संपूर्ण जानकारी। तो अगर आपको भी कम क्रेडिट स्कोर पर इमरजेंसी लोन की जरूरत है तो आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। दोस्तों हो सकता है इस जानकारी की जरूरत आपके किसी मित्र या रिश्तेदार को भी हो तो उनसे ये वीडियो शेयर करके आप उनकी मदद जरूर करें। इसके अलावा आपके पास इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना सवाल या वह टॉपिक लिख सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगली बार ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।